काट लिया गाइस, काट लिया। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं घर के बाहर से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस कल यहाँ पे बारिश हुई और बहुत सुहावना मौसम हो रहा है, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पहली बारिश हुई है मतलब यहाँ पे अच्छे से, तो मतलब अलग ही मतलब मौसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बाकी गाइस अभी वक्त देखें तो वक्त हो रहा है 8:48। सो आज मैं बड़े सुकून से उठा हूँ, क्योंकि कल मेरे काम टाइम से हो गए थे, एडिटिंग वगैरह मैंने रात को, लेट नाइट हुआ था बट हो गया था, मतलब रात को। जब भी गाइस ऐसा होता है कि मतलब टाइम पे एडिटिंग वगैरह हो जाती है और ब्लॉग अपलोड हो जाते हैं टाइम से, तो बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ। बाकी देखिए गाइस, हल्की हल्की धूप आ रही है और फिर धूप चली जा रही है, फिर मस्त हवा चल रही है। सो यही मौसम हो रहा है और ऐसे मौसम में मुझे मतलब साइकिलिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। सो मैं सोच रहा हूँ कि साइकिलिंग करने जाऊँ, वैसे टाइम तो हो गया है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत साइकिलिंग करने जाऊँ, फिर मैं वर्कआउट करूँ। सो चलते हैं गाइस, थोड़ी बहुत साइकिलिंग करते हैं और मैं आपको मस्त बढ़िया एक नंबर मतलब अच्छे अच्छे व्यू दिखाऊंगा आज साइकिलिंग पे। सो चलते हैं गाइस। गाइस मैंने काफ़ी टाइम से साइकिलिंग नहीं की तो साइकिल पर धूल चढ़ गई है, जो गाइस कितनी धूल चढ़ गई है। चलते हैं गाइस, और मैंने एयरबड्स ले लिए हैं, चश्मा भी ले लिया, चलें पहलवान। बेचारा ये घर में अकेले रह गया, आज मम्मी नहीं है, जूही क्लास गई है, काम कर लेना थोड़े से, ठीक है ना, आ रहे फिर अपन लोग आज कुछ बनाते हैं, ठीक है। चलो तो गाइस साइकिलिंग करते करते मैं एक बहुत मस्त जगह आया हूँ, मेरे घर के पास ही में, ये देखिए यहाँ से बगल से ट्रेन निकलती है, देखिए जस्ट अभी ट्रेन गई है, और यहाँ पे पूरे में चारों तरफ मतलब हरियाली है, खेत हैं, गांव ही है, मतलब मेरे घर के 5-6 किलोमीटर के आसपास ही होगा। तो काफ़ी अच्छी वाइब है यहाँ की, और मैंने कुछ स्टंट्स भी किए अभी यहाँ पर, कुछ लोग भी आए थे तो उन लोगों से कुछ बातें की। बाकी अभी चलते हैं गाइस घर, क्योंकि टाइम हो रहा है 9:44 हो चुके हैं। सो चलते हैं मस्त बढ़िया गाना सुनते सुनते घर। Thank you.
कैसा है? बहुत मस्त। रियल बोल रहा है भाई? सही में? रियल में पक्का? चलो गाइस मैं टेस्ट करके देखता हूँ। गाइस बनाना से तो हमेशा ही बहुत मस्त बनता है, जब भी बनाते बेस्ट है ना। फलूदा की तरह टेस्ट लगता है थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा। तो गाइस बनाना से एक पी लिया है और अंकल आ गया है। अंकल बोल रहा है क्या बनाना है भाई? कुछ नहीं बनाना है, अभी कपड़े धोने हैं बहुत सारे। खाना तो फिर भी बनाना पड़ेगा कुछ। खाना एक बार जूही को कॉल करते हैं, अपन लोग कपड़े धोते हैं, अपन काम करते हैं, फिर थोड़ा सा धोगे साथ में? हाँ? कुछ खिलवाते भी हैं फिर तुम्हें। तो गाइस ये देखिए कितने सारे कपड़े हो गए हैं। चलते हैं, सबसे पहले इनको डालते हैं वॉशिंग मशीन में, क्योंकि वैसे वॉशिंग मशीन धुलते रहेंगे और फिर मैं एडिटिंग वगैरह कर दूँगा, अपलोड वगैरह करूँगा। और फिर खाने का भी देखना है, क्योंकि जूही आ रही है तो जूही बनाएगी खाना, अगर जूही नहीं आएगी तो फिर हम लोग बनाएंगे। तो गाइस आधे कपड़े डाल दिए वॉशिंग मशीन में और आधे ये हैं, ये अब दूसरी बार में धोएंगे हम लोग। सो जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक हम करते हैं एडिटिंग। तो गाइस जूही आ गई है तो अब खाना नहीं बनाना पड़ेगा हम लोग को, खाना बनाएगी जूही, हम लोग आराम से अपने काम कर सकते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। तो गाइस मैं मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ और कपड़े भी धुल गए हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस बहुत सारे कपड़े थे और हम लोगों की बहुत मेहनत लगी। ये देखो ये अंदर टांग दिए हैं, ये हैं। और गाइस अब मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर, ये देखो गाइस बहुत सारे कपड़े धुल गए हैं। और अभी जूही ने भी खाना बना लिया है तो चलते हैं खाना खाते हैं, देखते हैं जूही ने क्या बनाया। जूही जूही खाना में क्या बनाया? तुरैया की सब्जी, रोटी और आम का पना। थैंक यू बहन, अगर तुम नहीं होते तो हम लोग भूखे मर जाते। तो गाइस हम तीनों बहन भाई का खाना पीना हो गया है और जूही ने देखो कितना परफेक्ट खाना बनाया। जूही बोल रही है कि देखो कुछ नहीं बचा है, बस एक रोटी बची है। मैंने ये बताओ मोती को खाना दिया? मोती को रखा है ना? हाँ तो ठीक है, तो ठीक है, वेरी गुड। तो गाइस खाना पीना हो गया है मस्त बढ़िया और अभी मैं निकल रहा हूँ क्लास के लिए। और गाइस क्लास पे राजन नहीं है, सो राजन के जितने भी काम है वो मुझे करने पड़ेंगे, सो काफ़ी सारा काम रहेगा आज। सो मैं क्लास में मतलब ब्लॉगिंग बहुत ही कम कर पाऊँगा, सो इसलिए ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सो आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Ah